सुरेश कुमार कमलेंदु, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉरोमेन जमशेद। आज हम यूजी सेमेस्टर थर्ड के कोर पेपर सिक्स के संबंध में बात करने के लिए उपस्थित हैं। ये कक्षा यूजी सेमेस्टर थर्ड का है, जिसमें हम कोर पेपर सिक्स चीन जापान का इतिहास हम पढ़ेंगे। यह पेपर एशिया महादेश के सबसे महानतम देश, सबसे बड़े देश के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस देश सभ्यता और संस्कृति में सबसे अव्वल था, लेकिन कई तरह के युद्धों ने किस तरह से ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, पुर्तगाल इन देशों में व्यापार करने के लिए आया, और व्यापार करने के क्रम में चीन के व्यापारिक संतुलन, जो पहले असंतुलन की स्थिति थी, उसको असंतुलन को बदला और वहाँ पर खफीम जैसे चीज़ों को लेकर आया और यहाँ पर कई ऐसे युद्ध हुए। आज हम इस पेपर में प्रथम अफीम युद्ध के संबंध में पढ़ेंगे, किस तरह से प्रथम अफीम युद्ध के क्या कारण था और उसका क्या परिणाम हुआ। तो यह सबसे पहले बात करते हैं कि चीन सभ्यता और संस्कृति में एक अच्छा देश था। इसकी संस्कृति की गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ती थी। भारत की ये पूर्व में यह देश अवस्थित है और यह देश में वांगहो जैसी नदी बहती है। इसमें फसलें भी अच्छी होती थी, कृषि का उत्पादन भी अच्छा था, और कुल मिलाकर चीन अपने ऊपर में बिल्कुल आत्मनिर्भर था। चीन की स्थिति आत्मनिर्भरता की थी, उसे दुनिया के किसी देशों से ज़्यादा मतलब नहीं था, इसीलिए वह अपने सभ्यता और संस्कृति पर इतराता था और किसी देशों से कोई संबंध भी नहीं रखना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों की, खासकर हम बात करेंगे 635 ईस्वी के लगभग में, वहाँ पर ब्रिटिश के बहुत सारे पारसी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इस देश में आना शुरू हुआ। और जहाँ तक रोम के साथ व्यापार का संबंध है, पश्चिमी देशों के साथ चीन के संबंध, व्यापारिक संबंधों पर जब हम चर्चा करते हैं, तो यह हम पाते हैं कि यह व्यापार जो है, यह बिल्कुल ईस्वी सन से शुरू हुआ। 645 ईस्वी के लगभग में यहाँ पर जब ईसाई पादरी आना शुरू हुआ, धर्म का प्रचार करने लगा, तो यहाँ पर एक तरह से यह अवरुद्ध सा हो गया, रुक सा गया। लेकिन बाद धीरे धीरे 12वीं शताब्दी तक यह अवरुद्धता की स्थिति रही, लेकिन 13वीं शताब्दी में हम यह बात देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पर लगभग 1275 ईस्वी के लगभग हम देखते हैं कि वेनिस यात्री मार्को पोलो ने चीन आया, और यहाँ पर इसने वहाँ के व्यापारिक संबंध के अपने बाद जो ग्रंथ लिखा हुआ, उस ग्रंथों में इसकी चीन की व्यापार की चर्चा काफ़ी हद तक हुई। और इस पर हम देखते क्या है कि धीरे धीरे कई देश के व्यापारियों ने इस देश में आना शुरू हुआ, इस देश में आने की तैयारी करने लगा। उसमें 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल, जो केप ऑफ गुड के रास्ते से जो आया, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से उसने जो आया, और वास्को डी गामा जो भारत में कालीकट में पहुंचा, और फिर उस रास्ते से वह 1511 ईस्वी में पुर्तगाली जो है वह मलक्का पहुंचा, और फिर मलक्का होते हुए वह चीन पहुंचा 1514 ईस्वी में। तो 1511 से जो शुरू किया पुर्तगालियों ने, वह 1514 ईस्वी में चीन पहुंच गया। और हम देखते क्या है कि 1542 ईस्वी में पुर्तगालियों ने निगको में व्यापार करने की अपनी मंजूरी दे दी, और धीरे धीरे बात आई कि 1557 में पुर्तगालियों ने मकाओ द्वीप पर भी व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। इस तरह से पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो रोम के साथ संबंध रहा, इसलिए कि चीन में जो कुछ सामानें थी, वस्तुएं थी, इस तरह से रेशम वहाँ पर था, चाय था, रबर, सोयाबीन आदि को लेकर व्यापारी आते थे और पश्चिमी देशों में उसको ले जाते थे, पश्चिमी देशों में जाकर उसका उपयोग करते थे। इस क्रम में व्यापार बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे व्यापार में
रेशम की जानकारी चीन से लोग हासिल करके पश्चिमी के देश भी रेशम के सिल के कीड़ों को ले जाकर वहाँ पालना शुरू किए, तो उससे रेशम की आत्मनिर्भरता खत्म हुई। लेकिन जिस तरह से पुर्तगालियों ने आकर व्यापार के क्रम को बढ़ाया, तो उसको देखते हुए कई देश जैसे डच के व्यापारी भी यहाँ व्यापार करने आए। डच के व्यापार करने के क्रम में 1600 ईस्वी में डच व्यापारी आए, 1637 ईस्वी में ब्रिटेन के व्यापारी यहाँ पर आए, और ब्रिटेन के व्यापारियों ने इस ओर कदम बढ़ाया और उन्होंने कैंटन के बंदरगाह पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। ये जो क्रम है ये कैंटन के बंदरगाह पर 1637 ईस्वी में। तो इस तरह से ब्रिटेन की जो व्यापार का क्रम बढ़ा, और जब हम देखते क्या है कि ये जितने व्यापारी आए ये सामुद्रिक मार्ग से आए, ये सारे सामुद्रिक मार्ग से आए, लेकिन रूस ने स्थल मार्ग से यहाँ पर व्यापार करने के क्रम को बढ़ाया और स्थल मार्ग से यह व्यापार करने आया और एक तरह से अपनी प्रभुता की स्थापित कर लिया। और वह अपनी सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा के लिए भी उसने जो है दोनों देशों के बीच जो है सीमा युद्ध के निवारणार्थ हम बात करते हैं, निवारणार्थ दोनों देशों के बीच 1689 ईस्वी में एक संधि हुई जिसे नेर्सिस की संधि के नाम से जाना जाता है। और अगर सच कहे तो पश्चिमी राष्ट्र के साथ चीन की यह प्रथम संधि थी जो 1727 ईस्वी के पश्चात चीन ने सेंट पीटर्स में एक दूत को भेजा, और यह बात इस बात को उजागर करता है कि चीन किसी भी दूसरे देशों में, विदेशी देशों में भेजने वाला यह प्रथम दूत था, कि प्रथम दूत को भेजा। इतना होने पर यूरोप के व्यापारियों को चीन में व्यापार करना इतना सरल नहीं था, व्यापार करने में बड़ी आसानी नहीं थी, चीन के लोग व्यापार के लिए इच्छुक नहीं थे। धीरे धीरे यहाँ पर लेकिन होता क्या था कि जो व्यापार किया जाता था, जो सामान लाते थे और बेचते थे बाहर के व्यापारी, उन्हें चांदी के सिक्का मिलता था। उस समय कर के रूप में चांदी का सिक्का ही दिया जाता था, तो इस तरह से ये सिक्का काफ़ी बाहर जा रहा था। तो लोगों ने इसलिए चीन में लोगों ने हफीम का व्यापार करना शुरू किया। इस व्यापार क्रम में क्या हुआ, तो यथेष्ट लाभ पहुँचा व्यापारियों को, काफ़ी इसे लाभ पहुँचा। लाभ के चलते यहाँ पर लोगों ने वहाँ के कुछ पदाधिकारियों को थोड़ा बहुत हफीम खिलाकर उसे आदत लगा दिया, और इस तरह से हफीम का व्यापार जब अधिकांशतः शुरू हुआ, तो हम देखते क्या है कि अन्य कंपनियाँ, अन्य देश के लोगों की व्यापार शिथिल पड़ गया, और यह व्यापार यहाँ पर आंग्ल और चीन के बीच में व्यापार काफ़ी बढ़ गया। अगर कहें तो कैंटन का व्यापार या आंग्ल चीन के व्यापार के नाम से जाना जाने लगा, और कंपनी द्वारा हफीम के व्यापार को लेकर, कंपनी के द्वारा जो हफीम को लेकर इंग्लैंड और चीन के मध्य में कुछ विषमताएं बढ़ती गई, और बाद में दो युद्ध हुआ जो प्रथम हफीम युद्ध और द्वितीय हफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये हफीम के व्यापार को लेकर ये आंग्ल और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ, ब्रिटेन के साथ जो युद्ध हुआ, यह युद्ध जो है इस बात को दर्शाता है। तो अब हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से यह युद्ध हुआ। तो पहला जो युद्ध का कारण है वह है क्योतो की प्रथा। क्योतो की प्रथा जो है इसमें सबसे बड़ी बात थी कि ब्रिटेन के व्यापारियों को आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा। उसके जो व्यापारी या पदाधिकारी आते थे उसे चीन के सम्राट के सामने झुकना पड़ता था, झुककर अभिवादन करना पड़ता था, और 9 बार करना पड़ता था। तो ये 9 बार करने से इन लोगों को लगता था कि हमारे आत्मसम्मान में काफ़ी ठेस पहुंचता है, और इस तरह से वहां के धर्म प्रचारक जो आते थे उनको भी इसी तरह से करना पड़ता था। तो धर्म प्रचारकों के लिए पोप की सत्ता सर्वोपरि थी, चीनी सम्राट की नहीं, अतः चीनी सम्राट की सर्वोच्चता में आँच आना स्वाभाविक था। स्पष्ट है कि अंग्रेज जाति इस प्रथा की समाप्ति पर जोर दे रहे थे, इस प्रथा की समाप्ति पर इसलिए जोर दे रहे थे कि जब तक यह प्रथा तब समाप्त होगा जब तक कि ब्रिटिश जाति का चीनी शासन में प्रभुत्व स्थापित नहीं होगा। चीनी शासन में प्रभुत्व स्थापित होगा तब ये जो कलंक की प्रथा है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो ये पहला जो
क्योंकि प्रथा है, स्वाभिमान की जो ये प्रथा है उसके कारण ही प्रथम अपीम युग शुरू हुआ। दूसरी बात हम करते हैं व्यापारिक विषमता। यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि चीन किसी भी देशों से व्यापार करना ही नहीं चाहता, उसको दूसरे देशों से व्यापार करने की जरूरत नहीं थी, वहाँ पर बिल्कुल व्यापारिक असंतुलन था। लेकिन ब्रिटिश के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे, ये व्यापारी जब आते थे तो उनके ये उस व्यापार को संतुलन की स्थिति में बदलना चाहते थे, जिस क्रम में चीन के साथ व्यापारिक संतुलन स्थापित करने के लिए विदेशी व्यापारियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे चीन की जरूरत हो। इसीलिए तो इस विषय में एक बार वहाँ के सम्राट ने लॉर्ड एकार्टन को कहा था कि हमारे स्वर्ग के समान और अद्भुत साम्राज्य में प्रत्येक वस्तु बहुतायात मात्रा में मिलता है, मुझे इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि बर्बर देश के व्यापारी यहाँ पर आए, मुझे कोई ऐसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो स्वर्ग के समान यह देश है और ईश्वर ने हमारे देश में सारी वस्तुएं दी है। तो इस तरह से एक बात करें तो इसमें जो है कि दूसरी बात यहाँ थी, जो व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे उनको कैंटन में नहीं रहने दिया जाता था, वह उन्हें कैंटन में व्यापार करने की अनुमति थी लेकिन वहाँ उनको नहीं रहने दिया जाता था, ग्रीष्म ऋतु में उन्हें मकाओ में रहना पड़ता था, जबकि उन्हें पूरे परिवार के साथ जो है सो वहाँ रहते थे लेकिन उनको मकाओ में रहना पड़ता था। अतः विदेशी व्यापारी जो था इसी बड़े कष्ट में थे। इस तरह से यह नहीं चीनी अधिकारी विदेशी व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए थे, 18वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों ने कैंटन के व्यापार पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था। और इस तरह से हम अगर कहें तो 1715 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैंटन में अपनी उद्योगशाला स्थापित कर ली थी और वहां पर इस तरह से हम देखते हैं स्पष्ट रूप से अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन में व्यापारिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया। तीसरा कारण हम देखते हैं कि व्यापारिक संतुलन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रयास। अब यहाँ पर व्यापारिक संतुलन बनाने के लिए वहाँ पर चीन की वहाँ पर जो असंतुलन स्थापित करना चाहता था, अतः ब्रिटिश व्यापारी ने चीन के व्यापारियों के संपर्क में आकर धीरे धीरे उनको अफीम का लत लगाना शुरू किया। अफीम के लत लगाने से वे लोग धीरे धीरे ऐसा आदी हो गए कि अब उन्हें शुद्ध अफीम की जरूरत पड़ गई और वहाँ अफीम बड़ी मात्रा में वहाँ जाने लगा। अफीम की मांग चीन में इस प्रकार बढ़ गई कि यहाँ पर ये हम एक तालिका से आपको स्पष्ट करते हैं, हम बताना चाहते हैं कि वहाँ पर मांग किस तरह से अफीम की बढ़ गया। तो 1800 से 1821 ईस्वी तक डाटा है, हम डाटा देखेंगे कि 1800 से 1821 ईस्वी तक वहाँ पर 4016 पेटी अफीम जो है सो पहुँचा। 1821 से 1828 ईस्वी तक बात करते हैं 9718 पेटियाँ जब वहाँ पर अफीम गई और 1828 से 1835 ईस्वी तक जब हम बात करते हैं तो 18712 पेटियाँ वहाँ पर गई। तो इस प्रकार अफीम का व्यापार के संतुलन जो है वहाँ पर कायम हुआ। लेकिन जो अफीम प्रभावित होकर 1820 में जो था उसमें कैंटन में अफीम के व्यापार को बंद करने का ऐसा आदेश दिया गया 1820 ईस्वी में चीन में दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चीन के अधिकारियों को वहाँ पर कुछ जो है दस्तूरी लेने का आदत बन गया था। इस तरह से चोरी छिपी जैसे हो अफीम वहाँ पर आते रहा और वहाँ पर जो पदाधिकारी थे लिन टिन वो किसी तरह के चीन के आदेशों का बिना प्रभाव किए हुए वहाँ पर हुए चीन में वहाँ अफीम वहाँ आते ही रहा और इससे चीन के चांदी के सिक्के जो है विदेशों में जा रहे थे, जाना बंद नहीं हुआ क्योंकि चीन में राजकीय भुगतान केवल चांदी के सिक्कों से ही होता था। तो इसके बाद हम देखते हैं आम चीनी संबंध में दरार आया। धीरे धीरे जिस तरह से अफीम का व्यापार बढ़ते गया, व्यापार जब वहाँ बढ़ते गया तो ब्रिटिश सरकार ने 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में कैंटन में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और धीरे धीरे ब्रिटेन के कई और व्यापारियों को यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। कई व्यापारियों को यहाँ आना आया और वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन ने
जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नेपियर को केंटन का मुख्य अधीक्षक नियुक्त किया। तो इस तरह से अब देखते क्या है कि हम इसे एक बड़ा कारण ये उत्पन्न हुआ कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और औद्योगिक क्रांति के लिए इंग्लैंड को कच्चे माल की जरूरत थी और बाजार का जरूरत था। चीन एक ऐसा देश था जहाँ कच्चे माल भी थे और एक बड़ा बाजार भी था, इसलिए यहाँ इन लोग व्यापार करना यहाँ पर आवश्यक समझा। लेकिन एक तरह से बात यह उठी कि 1838 ईस्वी तक कैंटन की विदेशी व्यापार के जो विनिमय का प्रश्न था वह धीरे धीरे वहाँ पर उठता गया। और कैंटन के जो चीनी आयुक्त थे उस समय, जो कैंटन के जो आयुक्त थे लिन से सू, उन्होंने क्या किया कि 20,000 हफीम के पेटियों को समुद्र में फेंक दिया, जिससे कि वहाँ के व्यापारियों को काफ़ी घाटा हुआ, वे लोग काफ़ी क्रूर भी हो गए और लगभग ऐसा आंकड़ा बताता है कि 60 लाख डॉलर मूल्य का घाटा हुआ। और एक कारण ऐसा था राज जो जिसका हम बात करते हैं कि राज क्षेत्रातीत अधिकार, राज क्षेत्रातीत अधिकार का मतलब था कि वहाँ पर जो ब्रिटेन के व्यापारी थे वे लोग का अलग कानून चीन में बना हुआ था। वे लोग सोच रहे थे कि हमारा जो अधिकार है, हमारे ऊपर जो कानून जो केस होता है या जो कोई मुकदमा होता है उसकी सुनवाई इंग्लैंड ब्रिटेन के कानून के मुताबिक हो, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। चीन के कानून के मुताबिक उनको दंड मिलता था। इसलिए अंग्रेज व्यापारी चाहते थे कि अंग्रेजी अभियुक्त का मामला जो है उसके अपने देश के न्यायालय में ही उसका जो है सुनवाई हो। तो इस तरह से देखते क्या है कि चीनी अधिकारियों द्वारा जो फौजदारी की मामले की सुनवाई की तरीके से अंग्रेज एवं अमेरिकी दोनों असंतुष्ट थे, क्योंकि किसी बहुत सारे देशों के व्यापार वहाँ चलना शुरू हो गया था। लेकिन वास्तविक रूप में हम देखते हैं कि इसी समय एक चीनी व्यापारियों का ब्रिटिश व्यापारियों के साथ एक झगड़ा हुआ। उस झगड़ा में एक नाविक जो है वह चीनी नाविक मारा गया, और इसलिए कि 7 जुलाई 1839 ईस्वी को हम देखते क्या है कि नाविक के प्रश्न पर जो है आपसी झगड़े में एक जो नाविक मारा गया, इसमें चीनी आयुक्त लिन ने अंग्रेजी व्यापारी जो उस समय अधीक्षक थे इलियट, उसको कहा गया कि आप अपने अभियुक्त को हमको सौंपे, लेकिन ऐसा नहीं सौंपा गया। और जिससे कि इस हम कहेंगे कि इस तरह से जो 7 जुलाई 1839 ईस्वी की जो घटना हुई, इस घटना में अंग्रेज व्यापारियों को कैंटन से निष्कासित कर दिया गया अंग्रेज व्यापारियों को, और इंग्लैंड ने तुरंत क्या किया इलियट ने, तो तुरंत वहाँ पर नाकेबंदी किया कर लिया। और 1840 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में यह पास किया गया, चीन के साथ युद्ध के विरुद्ध युद्ध के प्रस्ताव को पास किया गया कि जो स्थिति है उसके अनुसार जो है सो उस पर कैंटन पर अधिकार कर लिया जाए, और कर लिया गया। और धीरे धीरे हम देखते क्या है कि यह हफीम युद्ध के कारण ये युद्ध शुरू हुआ 1840 ईस्वी में। और इसी युद्ध की समाप्ति हम देखते क्या है कि नानकिंग के संधि जो 1842 ईस्वी में हुआ, इसके द्वारा युद्ध की समाप्ति हुआ। तो हम देखते हैं कि कई कारणों के चलते जो है चीन और अंग्रेज व्यापारियों के बीच में वैमनस्यता बढ़ता गया। और मुख्य बात यह थी कि व्यापारी अंग्रेजों के लिए व्यापार करना एक बहुत ज़रूरत की बात हो गया था, क्योंकि उसके पास में औद्योगिक क्रांति के लिए जो वस्तुएं बनी थी बाजार चाहिए था, और चीन जो था वह अपने हानि के आधार पर हानि की अपने व्यापारियों को चांदी के सिक्के की हानि हो रही थी, और उसको उसकी आवश्यकता भी नहीं थी कोई वस्तु की, व्यापार करना नहीं चाहते थे। लेकिन हफीम के सवाल पर अधिकारियों ने हफीम के पेटियों को आने दिया, लेकिन बाद में जब उसको रोका गया तो इस प्रश्न पर 60 पेटियों को जो फेंका गया उसकी मूल्य लगभग 2,10,00,000 थी। इससे ब्रिटेन काफ़ी क्रूर हुआ, और इसी का एक झगड़ा नाविकों के साथ हुआ। और हम देखते क्या है कि युद्ध जो है युद्ध का रूप ले लिया, और नानकिंग संधि के द्वारा जो हम देखते हैं कि इस युद्ध की समाप्ति हुई। और इस युद्ध की समाप्ति में पहला हांगकांग पर जो है ब्रिटेन का अधिकार हो गया। और उसके बाद हम पांच जो बंदरगाह था वो पांच बंदरगाह में हम देखते हैं, कैंटन एक बंदरगाह है, एक अमाय है, एक जो फुचाऊ है, एक जो देखेंगे कि शंघाई है, और निंगपो है। ये पांच बंदरगाह ब्रिटिशों को मिल गया, और
चीन के क्षतिपूर्ति के रूप में 2,10,00,000 मिला और अंग्रेजों के मुकदमे की सुनाई जो सुनवाई थी वह उन्हीं की अदालत में होने की बात हो गई नानकिंग संधि के द्वारा। और एक बहुत बड़ा बात हुआ कि ब्रिटिश व्यापारियों को चीनी व्यापारियों के साथ सीधे क्रय विक्रय का अधिकार दे दिया। तो ये परिणाम एक महत्वपूर्ण जो है नानकिंग की संधि में आया जिसमें ब्रिटेन को काफ़ी फायदा हुआ और हम परिणाम के रूप में देखते क्या है कि संधि से ब्रिटेन को काफ़ी लाभ पहुंचा। और ब्रिटेन को लाभ इस तरह से पहुंचा कि सबसे उल्लेखनीय बात तो यह है कि जिस हफीम के व्यापार को लेकर युद्ध लड़ा गया था उसके विषय तो नानकिंग की संधि में कुछ था ही नहीं। ब्रिटेन को क्षतिपूर्ति के रूप में अवश्य 2,10,00,000 की धन राशि प्राप्त हुई। उसके उस इससे उसके जो चीन का जो हम देखेंगे कि चीन के 5 बंदरगाहों पर ब्रिटेन का प्रभुत्व स्थापित हो गया और इस तरह से ब्रिटेन को एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं नानकिंग की संधि से प्रभावित होकर और फ्रांस, अमेरिका, बेल्जियम और होलैंड और पुर्तगाल जो था ये देश भी व्यापार करने के लिए यहाँ पहुँच गए और इस तरह से चीन में एक साम्राज्यवादी का युग शुरू हुआ। और इस प्रकार चीन के इतिहास में अगर कहें तो असमान संधि का युग आरंभ हुआ। तो इस तरह से प्रथम हफीम युद्ध के परिणाम भी हम देख रहे हैं और नानकिंग संधि से ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। और ब्रिटेन भी धीरे धीरे बाद में हम देखेंगे कि द्वितीय हफीम युद्ध भी हुआ लेकिन प्रथम हफीम युद्ध के ये कारण और परिणाम हुए जिसको आज इस क्लास में हम पढ़े हैं। और ये हमारा पेपर कोर पेपर CC7 है जिसमें हमने चीन जापान के इतिहास में प्रथम हफीम युद्ध के बारे में पढ़ा जो देश अपनी सभ्यता पर इतरा रहा था जिसकी सभ्यता संस्कृति काफ़ी प्रफुल्लित और पुष्पित और पल्लवित हुई इस महादेश में लेकिन धीरे धीरे व्यापार के क्रम में ब्रिटेन अपने चालाकी से वहाँ पर अपना पांव जमाते रहा और बाद में कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया जिससे कि दूसरे देशों को भी फायदा हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।